प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो भारतीय राजनीतिक विचारक बी पार्ट फर्स्ट के सेकंड विचारक का वीडियो है। इस वीडियो में हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे और ये वीडियो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि एमए के विद्यार्थियों को भी लाभ पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो कौटिल्य की तीन वीडियो जब आपने इससे पूर्व के पढ़े होंगे तो उसके बाद आगे कौटिल्य की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचार हैं, एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र से क्या संबंध होते हैं, जैसे भारत के पाकिस्तान से क्या संबंध हो, भारत के चीन से क्या संबंध हो, भारत के रूस से क्या संबंध हो, भारत के अमेरिका से कैसे संबंध होने चाहिए, ये जो संबंध है अर्थात एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र से जो संबंध होते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। और इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत प्रतिपादित किया और इस मंडल सिद्धांत का जो प्रारंभ है, मंडल सिद्धांत के विचार कौटिल्य के दिमाग में कहां से आए, इसका अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करना चाहें तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके छठे अधिकरण के अध्याय दो में इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। और इस विवरण के माध्यम से ये कहा गया है कि ये जो सिद्धांत है मंडल सिद्धांत, ये एक प्रकार से नीति और स्मृति ग्रंथों से लिया गया है। कौटिल्य ने ये सिद्धांत जो है नीति और स्मृति ग्रंथों से लिया है और उन ग्रंथों पर आधारित सिद्धांत है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ये सिद्धांत दिग्विजयी सिद्धांत है। दिग्विजय का मतलब होता है एक राजा पूरे राष्ट्र में विजय प्राप्त करता जाए, कोई उसे पराजित ना करे, सभी उसके विजय को स्वीकार करें, जैसे राम के द्वारा दिग्विजय का सिद्धांत राम राज्य, ऐसे अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से जो है महाभारत में अश्वमेध यज्ञ का किया जाना और दिग्विजय का सिद्धांत। तो ये दिग्विजय के सिद्धांत का परिवर्तित रूप और संशोधित रूप मंडल सिद्धांत है। इसके माध्यम से ये मंडल क्या है, अनेक राज्य जो है, जैसे एक राष्ट्र है जैसे भारत है, तो भारत के पास में श्रीलंका है, नेपाल है, उसके साथ देखो तो बर्मा है, फिर देखो चाइना है, फिर देखो तो पाकिस्तान है, फिर देखो रशिया है, ऐसे जो राज्य हैं, अर्थात एक राष्ट्र के जो आसपास के और दूर के जो राज्य हैं सारे, वो अनेक राज्य, उन राज्यों के मध्य नजर रखते हुए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। एक राज्यों का बृहत मंडल बनाया गया है कि एक राज्य जो पड़ोस में होगा आपकी भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए, वो अन्य राज्यों से किस प्रकार से संबंध रखता है, एक ही बॉर्डर इससे लग रही है, इसकी बॉर्डर उससे लग रही है, उसकी बॉर्डर उससे लग रही है, उनकी क्या। तो ये मंडल सिद्धांत राज्यों का बृहत रूप जो लेकर के उस बृहत रूप के माध्यम से राज्यों के संचालन की पद्धति को आधार बिंदु लेते हुए एक सिद्धांत का गठन किया गया है, इस मंडल को निर्मित किया गया। अब प्रश्न आता है कि ये जो सिद्धांत है मंडल सिद्धांत, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मंडल सिद्धांत आया, क्यों उसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य तो यह है कि राज्य की सुरक्षा, अर्थात हर राजा का यह दायित्व होता है अपने राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का कार्य करे, जिसके लिए राज्य बना है। तो एक तो राज्य की सुरक्षा, दूसरा प्रजा को सुख प्राप्ति रहे, अगर युद्ध नहीं होगा तो प्रजा सुखी रहेगी, शांत रहेगी, और अगर युद्ध होगा तो उसका सुख छिन जाएगा और उसकी व्यवस्था भी रह जाएगी, तो शांति की संभावना बनी रहे, इसलिए यह बृहत मंडल बनाया गया कि किस प्रकार की स्थिति में शांति काल में किस प्रकार की नीतियों का अवलंबन करे राजा, युद्ध काल में किस प्रकार की नीतियों का अवलंबन करे। तो इसका उद्देश्य है राज्य की सुरक्षा और दूसरी शांति व्यवस्था की संभावना। दूसरी ओर अगर इसका उद्देश्य देखें तो अन्य राज्यों के साथ उस राज्य के क्या संबंध होने चाहिए, जैसे भारत है उसका पाकिस्तान के साथ क्या संबंध हो, चीन के साथ क्या संबंध हो, श्रीलंका के साथ क्या संबंध हो, रशिया के साथ क्या संबंध हो, अमेरिका के साथ क्या संबंध हो, इस प्रकार दूर के राज्य से कैसे संबंध, नजदीकी राज्य से कैसे, तो अन्य राज्यों से कैसे संबंध हो। और संबंध भी दो प्रकार के होते हैं, एक मित्रता के संबंध और एक शत्रुता के संबंध, या तो कोई मित्र होगा या कोई शत्रु होगा, दो ही चीज होगी राज्यों में। तो जब ये संबंध है तो मित्र होगा जब तो युद्ध नहीं होगा, और शत्रु होगा तो युद्ध की संभावनाएं रहेंगी, तो ऐसी स्थिति में आक्रमण की आशंका रहेगी। जब शत्रु राष्ट्र होगा आपका तो कभी भी आपका आक्रमण कर सकता है, तो आक्रमण की संभावना रहती है। तो ये मंडल सिद्धांत आक्रमण की संभावनाओं की आशंका को समाप्त करने के लिए निर्मित किया गया कि पहले से पता रखो कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, तो शत्रु से सचेत रहो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी व्यवस्था करते रहो, जिससे शत्रु को युद्ध करने का अवसर ही प्राप्त ना हो सके। इसलिए आक्रमण की आशंका रही तो इसलिए यह सिद्धांत का उद्देश्य रखा। दूसरा, अगर आक्रमण हो जाए, आप तो नहीं करना चाहते पर दूसरा आक्रमण तो दे, जैसे भारत ने कभी
किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, परंतु पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो मान लीजिए आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत हो, और ये मजबूत कब होगी, जब आपको पता रहेगा कि मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, तो शत्रु से सतर्क रहेंगे, अपने साधनों की अभिवृद्धि करेंगे, अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करेंगे, गुप्तचरों की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से राष्ट्र पर किसी प्रकार की आंच न आए, इस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए राज्य की कैसी नीति होनी चाहिए, राज्य की स्थिति के अनुसार नीति होती है, उस नीति और स्थिति के साथ उसकी अनुकूलता, राज्यों के साथ अनुकूलता, राज्यों के साथ प्रतिकूलता का ज्ञान इस सिद्धांत के माध्यम से पड़ेगा। इसलिए ये उसके उद्देश्य निर्धारित किए गए कि इन उद्देश्यों के आधार पर। तीसरी ओर अगर हम देखें तो फिर प्रश्न आया कि मंडल सिद्धांत क्या है। अभी मैंने कहा था आपको कि राज्यों का वृहत, जो वृहत अर्थात राज्य है उनका बड़ा विस्तार रूप जो है वो मंडल है, तो राज्यों का वृहत रूप मंडल है। ये मंडल क्या करता है, कार्य पद्धति की संभावना को अभिव्यक्त करता है। कार्य की जो पद्धति है कि एक राज्य का दूसरे राज्य से कैसे संबंध हो, उस पद्धति को प्रतिबिंबित करने का कार्य करता है ये मंडल। अब इसमें मंडल में क्या स्थिति होती है, कोई भी राज्य, अब देखिए यहाँ हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 12 राज्यों का मंडल होता है। अब इसमें कोई भी राज्य एनीवन जो विजय की अभिलाषा रखेगा, विजय की आकांक्षा रखेगा, वो राष्ट्र क्या कहलाएगा, विजक्षु, विजय की आशा रखने वाला विजक्षु राष्ट्र कहलाएगा। अब मान लीजिए ये राष्ट्र है, ये विजय की अभिलाषा रखता है, या इसकी जगह ये राष्ट्र है, ये विजय की अभिलाषा रखता है, मान लीजिए पाकिस्तान विजय की अभिलाषा रखता है तो पाकिस्तान क्या कहलाएगा, विजक्षु। भारत विजय की अभिलाषा रखता है तो भारत क्या कहलाएगा, विजगीषु, कि विजय की अभिलाषा रखने वाला विजगीषु राष्ट्र। अब जो भी विजय की अभिलाषा रखेगा उसके दोनों पड़ोसी उसके शत्रु होंगे। अरि का मतलब होता शत्रु, अरि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शत्रु, दोनों शत्रु होंगे। मान लीजिए जैसे आप हो, आप अगर अपना विस्तार करना चाहती हो, अपनी टेबल को बढ़ाना चाहती हो, तो या तो आप इधर बढ़ाओगी या इधर बढ़ाओगी, इधर बढ़ाओगी तो इसकी भूमि छीनोगी, इधर बढ़ाओगी तो इसकी छीनोगी, तो दोनों क्या होंगे आपके शत्रु होंगे, दोनों मित्र नहीं हो सकते। तो जो भी विजयीषु होगा राष्ट्र, विजय की अभिलाषा रखने वाला राष्ट्र होगा, वो या तो पड़ोसी की इसकी भूमि छीनेगा या पीछे के पड़ोसी की भूमि छीनेगा, और जब आप छीनोगे तो आप उसके शत्रु हो जाओगे, और शत्रु हो जाओगे शत्रु के साथ साम्राज्य विस्तार होगा। इसलिए ये जो बीच का राष्ट्र है, जो भी विजय की अभिलाषा रखता है, उस राज्य को विजयीषु राज्य कहते हैं, और उसके दोनों ओर जो राज्य है वो उसके शत्रु राज्य होते हैं। अब जैसे भारत और पाकिस्तान, तो भारत का पाकिस्तान कभी मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा शत्रु रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत विस्तार करता है तो मेरी भूमि छीनेगा, और भारत को ये विश्वास है कि अगर पाकिस्तान कोई गड़बड़ करता है तो वो जम्मू कश्मीर को छीनेगा। तो इसका मतलब अंदर से दोनों आशंकित हैं, दोनों एक दूसरे से भयभीत हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध क्या है, अपनी सीमा विस्तार चाहते हैं, अपने उद्देश्यों को लेकर एक दूसरे के विरुद्ध बने रहते हैं, चाहे वो मित्रता का आरंभ करे, चाहे वो दोस्ती का प्रयास करे, परंतु वास्तविक रूप में वो कभी स्थायी मित्र नहीं हो सकते। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए गोखले सिद्धांत के माध्यम से कहता है कि कोई भी राष्ट्र जो है उसकी नीतियां महत्वपूर्ण है, राष्ट्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, राष्ट्र का विकास महत्वपूर्ण है, और इस विकास में कभी कोई राष्ट्र स्थायी मित्र हो सकता है ना स्थायी शत्रु। जैसे भारत और अमेरिका पहले शत्रु थे, दिखाई देते थे, आज भारत और अमेरिका बहुत अच्छे मित्र दोस्त थे, भारत और रूस मित्र थे, आज भी मित्र है, भारत और चीन, चीन जो है उनके मध्य 1962 से पहले भारत चीन भाई भाई के नारे लगे, भारत चीन एक दूसरे के लिए, भारत ने यूएनओ में चीन को विश्व का अधिकार दिलाने में भी मदद की, इसलिए भारत चीन भाई भाई के नारे लगे थे, हम कभी लड़े नहीं सकते इतने मित्र है, इस प्रकार की व्यवस्था थी, और चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया 1962 में, तो मित्र क्या बन गया शत्रु। तो कभी भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र नहीं होते, न स्थायी शत्रु हो सकते, पर स्थायी शत्रु हो सकते।